अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ASG न्यूज़। आज की इस नशरियत में आपका खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, जो आम तौर पर या अक्सर तौर पर दिल का दौरा पड़ने वाले अफराद को फौरी तौर पर उनको टेक्निकी तौर पर तिब्बी इमदाद पहुँचा कर उनकी जान बचाई जा सकती है और ऐसे अफराद की जान का तहफ़ किया जा सकता है। इस सिलसिले में पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों की जानिब से ACE ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग के ज़रिए बनलागुड़ा पटेल नगर में एक मरकज कायम किया गया है, जहां पर अवामुन नास को तरबियत देने का वहां के नौजवानों ने और उसके ज़िम्मेदारों ने बेड़ा उठाया है। इस सिलसिले में बताया गया है कि उम्र या तालीमी अहलियत की कोई क़ैद नहीं है। बहरहाल, इंसान और इंसानियत की खिदमत करना इसका मकसद है। ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नौजवानों ने यह तासर दिया है। बहरहाल, इस सिलसिले में जमात इस्लामी हिंद चन्नाइनकुट्टा डिवीज़न के ज़िम्मेदारों का ये एक काबिल तखलीद इकदाम है। टेक्निकल तरबियत के तरीक़ेकार और इसके मकासद पर शाहिद अली असदी ने हमारे नुमाइंदे सैयद शफीर रहमान से बातचीत करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। आपसे गुजारिश है कि इस सिलसिले में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए फ़ोन नंबर 9848890193 पर मिस्टर उरूज से रब्त पैदा किया जा सकता है। पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद शफीर रहमान की ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मेरा नाम शाहिद अली असदी है, मैं ACE ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग का ऑपरेशन हेड हूँ। PWO पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी की तरफ से जो है कि प्रोग्राम जो है इंतज़ाम किया गया है आज का। इसके मज़ीद तफसील के लिए, ये एक बेसिक फ़र्स्ट एड कोर्स है जो बहुत ही काम का कोर्स है, ख़ास तौर से स्टूडेंट्स के लिए और घर में जो लोग रहते हैं उनके लिए, सबके लिए जो है मतलब ये कोर्स बहुत हेल्पफुल है। इसमें असल में बताया जाता है कि जो है मतलब ये कोर्स में कि किस तरीके से जो है इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल करना, कैसा जान बचाई जाए, कैसा जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बढ़ाई जाए, और CPR स्किल्स वगैरह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। यहाँ पे पूरे एक दिन का प्रोग्राम है और इंशाल्लाह जो है हम इसको जो है ये प्रोग्राम को मज़ीद जो है नेक्स्ट वीक 12 और 13 तारीख को इसके डिटेल जो है आपको जल्दी मिल जाएंगे। ये ट्रेनिंग करा रहे हैं। बेसिकली ACE ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग जो है हमारा फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर है, जो 2012 में हमने स्टार्ट किया था। लकड़ी के पुल पर इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पे हम ये कोर्सेज कराते हैं, सारे सेफ्टी के कोर्सेज कराते हैं हम लोग, और इसके अंदर बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस हैं। और मैं खुद एक अप्रूव ट्रेनर हूँ जो है मेडिक फर्स्ट एड यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और UK का एक हाई फील्ड बल्कि है HABC उसकी तरफ से। तो ये कोर्स आज जो है यहाँ पे मुनक़िद किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ PWO और जमात इस्लामी की तरफ से जो ये प्रोग्राम है। तो इसके लिए हम ज़्यादा कोई चार्ज नहीं रखे हैं। बेसिकली जो है इसकी जो फ़ीस है काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम जो है यहाँ पे फीस अवेलेबल, ताकि यहाँ के जो है स्टूडेंट्स को अवेयरनेस हो जाए। नेक्स्ट वीक जो है ख़वातीन के लिए स्पेसिफिकली रखें, ताकि उनमें भी जो है अवेयरनेस आए, उसके बाद फिर मज़ीद अगर उन लोग करना चाहते हैं कोर्सेज तो हमारे से जो है रब्ता कायम कर सकते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू, ये ACE ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग की तरफ से और जो है ना बेसिक फर्स्ट एड का कोर्स करवा रहे हैं, और इसके साथ ही साथ पीपल्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और जमात इस्लामी ये सब मिलकर जो है ना सोसाइटी के लिए खैर का काम कर रहे हैं, और ये इसको जो है सो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऐसा इसको काम किया जा रहा है। जो दे रहे हैं इसका तरीका कैसा है? और एक हम अली सर के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो हमको पूरा डिटेल में बताए हाउ टू गिव द CPR, एंड CPR ही नहीं, छोटे छोटे चीज़ें बताए वो। आप जब भी पेशेंट को ऐसे देखते हैं, यानी एक्सीडेंटल है या कुछ भी, जो भी किस्म की इंजरी लग रही है उसको, तो उसको कैसा अप्रोच करना, उसको कैसा लुकआउट करना, और उसको क्या क्या वो देना, ट्रीटमेंट देना, और उसको इमरजेंसी को कैसा कॉल करना, कैसा वो करना, किसी को ठहरा के और किसी की हेल्प कैसा लेना, और बीच में से अपन स्किप नहीं हो जाना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ बताए वो। बाद लोग क्या करते हैं, आधा करके चले जाते, डर के चले जाते या नहीं समझ में आता, लेकिन अपन पूरा उसको हॉस्पिटल तक लेके गए जब तक उसको हेल्प करना। यहाँ इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ है, अपनी गवर्नमेंट भी बोली हुई है, यानी हम दिल्ली में भी सुने हुए हैं, वो वहाँ के CM भी बोले थे दिल्ली के, यहाँ अपने CM भी यही बोले हुए हैं कि आप लोग हेल्प करो, कोई भी ऐसा सिचुएशन रहा तो आप उसको पूरा हेल्प करो, और गवर्नमेंट भी पुलिस भी कोऑपरेट करेंगे इसके अंदर। तो हम ये जो आज सीखे आज, उससे हमारे को बहुत अच्छा एडवांटेज मिला है। इंशाल्लाह हम इन फ्यूचर वैसा, हम जाते हुए रास्ते में या अड़ोस पड़ोस में किसी के साथ ऐसा होगा तो हम उनको हेल्प कर सकते। इट वॉज रियली गुड एंड वी आर रियली
thankful for Mr. Ali to give us a very good session and valuable lessons we have learned. And then I really appreciate the ACE Academy for taking the initiative for such a good cause. And I think this is a basic thing everyone should be aware of, and the CPR and the terminology what he has given that to everyone. I think these are very good lessons for life, this thing, saving this thing, techniques. So whenever some instances happens, so I think everyone should be aware of. And then in the, I think, Western world, they give this kind of training from the beginning to the kids and this thing. So I hope here everyone gets to knowledge about the relevant details or basic things which may save a life. So I think hope the many people take advantage of this. And then I think this particular academy, what they are pioneer in this particular for the ACE Academy, and I hope he grows in leaps and bounds. And thank you, thanks once again for such a good valuable lesson for us. Thank you. Assalamu alaikum. Mera naam Abdul Khaliq hai, main general physician hu. Yahan par alhamdulillah PWO aur Jamaat Islami ki taraf se यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके साथ ही साथ यहाँ मेडिकल कैंपस भी चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 2 मेडिकल कैंप्स चले हैं, इससे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 800 अफराद इससे फ़ायदा उठाए हैं। और ये मुनासिब समझे हैं यहाँ पर पटेल नगर में कि यहाँ पर कि जैसा मेडिकल कैंप रखे थे, दवाएँ के साथ सब टेस्ट फ्री करे थे, तो इसी ज़िमन में हम फर्स्ट एड का एक प्रोग्राम रखे हैं जो लोगों को अवेयरनेस हो सके कौन सी बीमारी किस तरीके से यानी फर्स्ट एड कर सकते हैं ऐसा। तो मैं PWO के ज़िम्मेदारों से और के दूसरे हमारे शाहिद अली साहब है, उरू साहब है, और उनका शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने अवाम के अंदर जमात के थ्रू यानी कि जमात से इस्तेफादा उठा रहे थे लोग, अल्हम्दुलिल्लाह ये कर रहे हैं। शुक्र जज़ाकल्लाह खैर। तो हम ये सब अवेयर होने के बाद अगर कोई बंदा अपने साथ अनअवेयर भी है, नहीं कर रहा, आप उसको इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।